नमस्कार दोस्तों, एसएससी की तरफ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है जहां पर हमारी लगभग 24,000 वैकेंसी दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा है एसएससी जीडी रिक्रूटमेंट 2022। तो फ्रेंड्स, इसमें हम जनरल डिटेल देखते हैं और इसकी एग्जामिनेशन फीस देखते हैं और इसका जनरली हम सिलेबस देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, इसकी एप्लीकेशन फीस 27/10/2022 है और लास्ट डेट है वो हमारी 30/11/2022 है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपके एग्जाम है वो January 2023 में होना तय है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए वैकेंसी की यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं। पहले यहाँ पर पेमेंट स्केल दिया है जो हमारा 18,000 से लेके 56,900 तक है, जो हमारा पे लेवल 1 है। और पे लेवल 2 में देखिए 21,000 से लेके हमारा 69,000 तक दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो हमारे वैकेंसी हैं वो 2 भागों में डिवाइड है। तो मेल और फीमेल यहाँ पर दोनों को अलग अलग यहाँ पर वैकेंसी दी गई हैं। और फ्रेंड्स, ये हमारी वैकेंसी हैं वो ऑल इंडिया है। सबसे पहले यहाँ पर दिया है BSF। तो फ्रेंड्स, हमारी वैकेंसी कैटेगरीज वाइज भी डिवाइड हुई है। यहाँ पर देखिए BSF जो मेल के लिए 8,992 है, इसी तरह फीमेल के लिए 1,575 है। इस प्रकार देखिए CISF, CRPF, SSB, ITBP, ARSSF, यहाँ पर देखिए सभी में यहाँ पर वैकेंसी दी गई हैं। और इस प्रकार हमारी जो टोटल वैकेंसी यहाँ पर हो रही हैं वो हमारी हो रही हैं 24,205 जो मेल और फीमेल दोनों के लिए है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए पार्ट टू, यहाँ पर NCV दिया है। यहाँ पर देखिए हमारी SC ST OBC EWS सभी के लिए यहाँ पर अलग अलग दी गई हैं और मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारी टोटल वैकेंसी है वो हमारी 164 दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारी जो टोटल वैकेंसी होती हैं वो हमारी होती हैं 24,369। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर ए लिमिट की बात करें तो ए लिमिट है आपकी 18 से लेकर 23 साल के बीच में और इसमें आपको छूट भी दी जाएगी। तो ए लिमिट आपकी 1/1/2023 से यहाँ पर गणना की जाएगी। ए लिमिट में SC ST वालों के लिए 5 साल की छूट, OBC वालों के लिए 3 साल की और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 3 साल की यहाँ पर छूट दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, अगर आप 10th क्लास पास हैं तो आप किसी भी वैकेंसी में यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और किसी भी स्टेट से यहाँ पर ऑल इंडिया वैकेंसी है तो आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास कुछ स्पेशल सर्टिफिकेट हैं तो आपको बोनस मार्क यहाँ पर दिए जाएंगे। देखिए NCC, NCC B और NCC A, यहाँ पर देखिए जो बोनस मार्क हैं वो भी यहाँ पर दिए गए हैं, 5%, 3% और 2%। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फ़ीस दी गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आप जनरल OBC से हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपये फ़ीस होगी और आप SC ST या वुमेन कैंडिडेट्स हो तो यहाँ पर आपकी कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन भी दी गए हैं। यहाँ पर देखिए डिफरेंट रीजन के लिए यहाँ पर डिफरेंट यहाँ पर सेंटर दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर सेंट्रल रीजन बिहार एंड उत्तर प्रदेश, यहाँ पर देखिए अलग अलग यहाँ पर कोड सेंटर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार देखिए ईस्टर्न रीजन के लिए यहाँ पर झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और कर्नाटक, केरला, यहाँ पर अलग अलग सेंटर दिए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एग्जामिनेशन का यहाँ पर सिलेबस दिया है जो कंप्यूटर बेस्ड होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 पार्ट में आपका जो सिलेबस है उसको डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। यहाँ पर देखिए 20 नंबर के आपका क्वेश्चन होगा और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो उस पर आपका देखिए 40 नंबर हो रहे हैं। और सेकंड देखिए आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, यहाँ पर भी आपके देखिए 20 नंबर क्वेश्चन होगा और 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा, इस प्रकार आपके यहाँ पर भी 40 हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार देखिए सी पार्ट में दिया है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और डी में है आपका इंग्लिश और हिंदी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार देखिए आपको जो टोटल टाइम है वो आपको 60 मिनट दिया जाएगा, मतलब 1 घंटे दिए जाएंगे और जो टोटल नंबर है वो आपके हो रहे हैं 160। जो आपका क्वेश्चन पैटर्न होगा वो आपका मल्टीपल चॉइस होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो आप नेगेटिव मार्किंग भी होगी जो 0.5 मतलब 1/2 आपकी होगी। इसकी भी और अच्छी से डिटेल दी गई है। यहाँ पर देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक आएंगे, और जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक आएंगे, वहाँ पर आपको अच्छे से डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो आपकी सेकंड स्टेज फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET, इसकी भी यहाँ पर देखिए पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर देखिए मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर अलग अलग स्टैंडर्ड दिए गए हैं। 5 किलोमीटर इन 24 मिनट मेल के लिए है और 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट यहाँ पर फीमेल के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। और इस प्रकार देखिए सेकंड है 1.6 किलोमीटर इन 6.5 मिनट में और फीमेल के लिए 800 मीटर इन 4 मिनट। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हाइट दी गई है जो मेल कैंडिडेट्स के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 157 सेंटीमीटर दी गई है। हाइट में कुछ छूट भी दी जाएगी जो स्पेसिफिक रीजन के लिए यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो सभी डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए चेस्ट जो सिर्फ मेल के लिए यहाँ पर रखी गई है जो है हमारी है 80 सेंटीमीटर और इसमें एक्सपांसन होगा वो 5 सेंटीमीटर का होगा। इसमें भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा जो आपका
स्टेज वाइज होगा। यहाँ पर देख सकते हो उसकी डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अगली स्टेज दी गई है मेडिकल एग्जामिनेशन। सी एग्जामिनेशन वही दे सकते हैं जो PET और PST मतलब जो पेपर फर्स्ट में पास हुए हैं और फिजिकल स्टैंडर्ड में पास हुए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसका भी यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पर देखिए सभी डिटेल यहाँ पर दी गई है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलिंग का जनरल इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर देखिए दिया गया है। तो फ्रेंड्स अगर आप 10 पास दो और अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड पूर्ण करते हो तो आप फॉर्म जरूर फिल करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी गई है और यहाँ पर जो फैसिलिटी है वो भी बहुत अच्छी दी गई है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और जो भी क्वेरीज हो उसको कमेंट कर पूछें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।